क्या चाहती हो तुम मुझसे? किस चीज का इंतकाम ले रही हो तुम मुझसे? मां मैंने आपको बताया था ना कि रात लग जाएगी पूरी। तुमने मुझे बताया नहीं था, मैंने पूछा है तो तब तुमने मुझे बताया। तो एक ही बात है ना माँ, पता तो चला ना आपको। अच्छा कौन एडमिटेड है हॉस्पिटल में? तुम्हारे नजदीक तुम्हारी माँ की कोई वैल्यू ही नहीं है? तुम अपनी मनमानियों में इस हद तक आगे चली गई हो कि तुम्हें यह भी भूल गया कि तुम्हारी एक माँ भी है। माँ ऐसी कोई बात नहीं है, आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं। तुमने मुझे बताया नहीं हॉस्पिटल में कौन एडमिटेड है, जिसकी वजह से तुम अपने होश में ही नहीं थी कि तुम अपनी माँ को नहीं बता सकी तुम जा रही हो। माँ मुझे आपको बताना था लेकिन देर रात हो गई थी, आप सो चुकी थी इसलिए आपको नहीं बताया। और वो जो हॉस्पिटल में था उसको मिलने के लिए तो तुम सुबह तक का इंतजार ही नहीं कर सकती थी, है ना? जरा फोन मिलाओ, मैं भी हाल पूछ लूं। किन शराबों के पीछे तुम भाग रही हो माया? अपने बारे में तो तुमने सोचना छोड़ दिया है, कम से कम अपनी मां के बारे में तो सोच लो। तुम्हारे इस रवैये से तो मेरी जान चली जाएगी किसी दिन। मां मोमिन हॉस्पिटल में थे, उनका एक्सीडेंट हुआ था, अकेले थे इसलिए मैं चली गई। आई न्यू इट, मेरा अंदाजा सही निकला। जिस इंसान को तुमने सारी दुनिया में तमाशा बनाया, जिसके लिए तुम खुद तमाशा बन गई, तुमने सारी रात उसके साथ गुजारी है। हाउ डेयर यू, तुम्हें शर्म नहीं आई? हम मोमिन मुश्किल में थे, मैं उनको मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम हो उसकी मुश्किल की वजह। मेरा तो सीना दुख से फटा जा रहा है कि सारी रात तुमने उसके साथ गुजारी है। मां दुख तो मुझे भी होता है, वरना मेरा बस चले तो मैं अपनी पूरी जिंदगी उनके साथ गुजारूं। एक तेरे